श्री माननीय श्री पूजन जी राजभर जी अपने वाक्यों से हमें प्रेरित करेंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और सबसे पहले मैं अहमदाबाद के धरती पे चल के आए और हमारे यहाँ के महापुरुष जो रामनाथ राजभर जी, स्वर्गीय रामनाथ राजभर जी और स्वर्गीय फूलचंद राजभर जी, ये दोनों हमारे समाज के बहुत आदरणीय, बहुत महान कार्यकर्ता थे और आज इन लोगों की देन है कि हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो मैं पहले उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उनको नमन करूंगा, क्योंकि आज उन्हीं का देन है कि जो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों आज हमारे बीच नहीं है वो रामनाथ भी नहीं है और फूलचंद भाई भी नहीं है। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उनको नमन करता हूँ और साथ साथ आप लोगों को भी नमन करता हूँ कि आप मतलब वो जहां भी रहे भगवान उनको सुखी रखे, उनको आत्मा को शांति दे। और दोस्तों आज के जो यहाँ पे हम लोग आए हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं सूरत से चल के आया हूँ और वहाँ अखिल भारतीय राजभर संगठन जो हमारा राष्ट्रीय स्तर का चलता है उसका मैं गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और वहाँ तो जो भी है छोटे मोटे कारोबार लेकर के हम लोग खाते कमाते हैं, ठीक है, जो भी है वो तो जानने वाले जानते ही हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो अनिल राजभर जी हैं और हमारे क्षमा करिएगा हमारे जो पुराने टीम के देखिए रामनाथ भाई फूलचंद भाई नहीं है, लेकिन उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप लोगों के सामने मैं उनसे नमन करता हूं। और उनकी टीम में आपके बीच में भरत भाई राजभर जी हैं, बैठे हुए हैं। भरत भाई राजभर जी, आप भरत भाई राजभर जी जरा सा आप खड़े हो जाइए। ये भरत भाई राजभर जी हैं महासभा के कोषाध्यक्ष थे, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है और बहुत संघर्ष किया है। और साथ में हमारे बीच में मांडी से विष्णु भाई राजभर जी हैं, आप भी जरा सा खड़े हो जाइए साहेब, देखिए ये भी है, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच आज आप लोगों के बीच में कल्पनाथ राजभर जी नहीं आए जो कि पूर्व अध्यक्ष थे, आज नहीं आए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों आज इन लोगों की देन है जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है, इसके लिए हम बार बार कहते हैं कि इन लोगों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज इन लोगों ने जो नई टीम बनाई है हमारे समाज के माननीय श्री अनिल राजभर जी, जो कि आप लोगों के बीच में आप अखिल भारतीय राजभर महासभा के अहमदाबाद के अध्यक्ष हैं, मैं आपको भी चाहूंगा अनिल जी जरा सा खड़े हो जाइए भाई। ये अनिल जी राजभर जी हैं, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मेहनत किया, आपकी टीम बहुत मेहनत की। और इसके बाद व्यवस्थापक जो कि माननीय अभी हम लोग रात को उतरे थे, वो लोग गए थे लेके आए थे, पहली बार आप लोगों के बीच में आया था तो अभी गए थे लेके आए थे, मैं ओम प्रकाश राजभर जी, आप यहाँ कहीं भी ओम प्रकाश राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी, चलिए वो नहीं है, धन्यवाद। और आपके महामंत्री जो अखिल भारतीय राजभर महासभा के महामंत्री हैं वो सत्यदेव राजभर जी, आप लोगों के बीच में हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के बीच, बहुत बहुत बधाई धन्यवाद आपको सत्यदेव जी, आप लोग ऐसे मेहनत करते रहिए, जो भी भूल चूक होगी
लोग आप लोगों की मदद करने के लिए बताने के लिए है। और आपके कोषाध्यक्ष आप विजय भाई राजभर जी, जहां कहीं भी आप थोड़ा सामने आ जाइए दोस्तों, हम लोग नहीं बोल जाएंगे। ये देखिए बहुत होनहार और बहुत पढ़े लिखे ये शिक्षित हैं, और मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं दोस्तों। और आप सीधा आगे बढ़िए, समाज का सेवा करिए दोस्तों। ये सब आप लोग अपना समय दिए आए, और आप सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी माताएं और बहनों, आप लोगों ने अपना समय दे करके आई। थोड़ा पहले बहुत भीड़ भाड़ था, थोड़ा अभी क्या समय का जल्दी हो गया है, थोड़ा बाद में रखना चाहिए था, लेकिन आप लोग इतना जनसंख्या में आप लोग का भी तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। छोटी बच्चियों का भी स्वागत करता हूँ, और जो हमारी माताएं बहने उनका भी स्वागत करता हूँ, और मैं आगे ले चलता हूँ। जैसे यहाँ पर मंच पर विराजमान, जैसा कि आप लोग देखे बंबई से चल के अखिल भारतीय राजभर महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय श्री अनिल राजभर जी हमारे बीच आए हुए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और उनके साथ चल के कैलाश नाथ राजभर जी, बबुआ राजभर जी और अनिल राजभर जी, मैं आप सभी का तहे दिल से गुजरात प्रदेश के तरफ से स्वागत करता हूँ दोस्तों। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 1014वीं जयंती मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि राजा महाराजा सुहेलदेव एक बहुत वीर बलशाली राजा थे, और उन्होंने ये राज्य स्थापित करने की बहुत लड़ाई लड़ी मुगलों से, और उसमें इनका विजय भी हुआ। और आप लोग ये समझ लीजिए कि हमारी जात कितना है कि हम राजभर लिखने में शर्माते हैं, शर्म खाते हैं राजभर लिखने में, लेकिन अभी तो पहले से बहुत सुधार हुआ है। मैं तो आज 40 वर्ष से देख रहा हूँ, समाज का सेवा करते करते चला आ रहा हूँ। जो भी हमसे होता है हम करते हैं, चाहे कोई भी होता, कोई तकलीफ होता, कोई दुख होता, कोई भी होता, कुछ भी पुकारता है, बेघर लिए दिए कुछ भी किए, हमसे जो भी सेवा होता है मैं करता हूँ। तो आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि आप लोग जो भी, अभी हमारे अनिल भाई साहब ने कहा है, आपके कोषाध्यक्ष जी ने भी कहा कि जो भी राजभर समाज का दुख तकलीफ पड़ता है तो उसमें आप लोग हाथ बटाइए और साथ दीजिए। और उन्होंने कहा एक भाई अगर आगे बढ़ता है तो एक भाई पकड़ के हाथ पकड़ के उसका टांग पकड़ के, आपको उदाहरण भी दिए, तो मैं इस बात को भी आप लोगों से कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसा जहां से भी हो हमारे राजभर समाज में अगर कुछ होता है, कोई गलतियां या त्रुटि होती है या कहीं किसी से कुछ होता है तो आपको खबर लगता है, तो हम जाकर के उनकी मदद करना चाहिए, उनको मदद करेंगे तभी हमारे संगठन का ये बात तो होगा और सब लोग जानेंगे भाई संगठन के आदमी काम कर रहे हैं। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कुछ उसमें कोई मतलब नहीं है। ये जयंती मना करके हम लोग चले, जैसे हमारे अनिल भाई साहब ने कहा कि आप लोग आए हो ताली बजा करके और हमारी माताएं बहने आई है सुन करके चली जाएंगी, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसमें जो भी बात होता है उसको अपने दिल में उतारिए, और भाई लोग भी जो है आए हुए वो लोग भी अपने दिल में उतारे, उसका पालन करें, कोई जाकर के कुछ होगा इसमें। और हम खास करके माताएं और बहनों से ये अनुरोध करूंगा, ये रिक्वेस्ट विनती करूंगा आप लोगों से कि आप लोग एक दिन कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों और बच्चियों को दोनों को पढ़ाइए। मैं ये आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करके कर रहा हूँ, आगे बढ़ने का एक तरीका है, एक ढंग है, और हम लोग चिल्ला करके चले जाएंगे और कुछ भी होने वाला नहीं है हम लोगों को होने का। जैसे अभी मतलब हमारे बीच माननीय श्री अध्यक्ष महोदय जी बॉम्बे के महाराष्ट्र के बोले कि हम लोग चिल्ला करके चले जाएंगे और ये कुछ करने से नहीं होगा, पढ़ाई आप लोग पढ़ाएंगे बच्चों को, पढ़ लिख करके आगे निकलेंगे तो ही हमारे समाज का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा, हमारे राज्य का विकास होगा, तो ही होगा। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग बच्चों के लिए जो भी हो आप लोग एक टाइम कम खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, उनको ध्यान दीजिए, स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बच्चियां जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, वो आप लोगों का कर्तव्य बनता है।
हमारे भाई लोग तो जाएंगे काम पे, लेकिन आप लोग घर की गार्जियन है, आप लोग घर की महिला है, तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग थोड़ा इसी पर ध्यान दीजिए। और दोस्तों, और ये जो यहाँ की टीम है, देखिए आप लोग अगर इन लोगों को, इनको मानेंगे जानेंगे, इनको प्रोत्साहन करेंगे, इनको मन बल को बढ़ाएंगे, तो ये लोगों के दिल में ये लगेगा कि मैं काम का काम तो कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं 40 बरस से सेवा करता हूँ समाज का, और आप लोगों को मालूम होगा जो इसमें से हैं, सब पुराने हैं उनको मालूम है, लेकिन आप लोग जब उनका सेवा करेंगे, जब आप अपने मालिक का ही सेवा नहीं करेंगे तो दूसरे का क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो भी है, अगर सही काम हो रहा है, सही काम कर रहे हैं, तो उनका सम्मान करना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम भी हैं कि भारतीय आश्रम संगठन के गुजरात प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे मेरा राजभर होटल भी है, आप लोग जानते भी होंगे, सूरत में राजभर होटल भी है मेरा, और मैं तो चलता है मेरा और भी कारोबार है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अनिल है, सत्यदेव भाई है, हमारे जो आपके टीम के पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग अगर आप लोगों को कुछ कहते हैं, तो आप लोग उनकी बात को मानिए और उनको जानिए और उनके जो भी कहते हैं उनको सुनिए, तो ही हमारे समाज का विकास होगा, और वरना कुछ होने वाला नहीं है। और इन लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी, जो भी समाज का अगर कुछ तकलीफ पड़ता है, जैसे कि अभी सुनने में आया एक भाई का तबीयत खराब था, हम भी सुना कि एक भाई का तकलीफ बहुत था, लेकिन इन लोगों के पास खबर आई, इन लोगों ने अपना जो भी था पैसा कौड़ी खर्च करके आपस में लगा करके और उनको यहाँ से घर भेजे, तो बहुत बड़ी ये बड़ी महानता की बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। उसके लिए मैं आप सभी को, पूरी टीम को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। और एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे आप लोग देखिए हमारे अनिल भाई राजभर जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, बम्बई में आए थे, वहाँ पे भी हमने गया था, वहाँ से होकर के आया, और भिवंडी में अभी आप लोग सुने भी होंगे, भिवंडी में प्रोग्राम था, हमारे जो बम्बई के महाराष्ट्र के अध्यक्ष आपके बीच में बैठे हुए हैं, इनका प्रोग्राम था, और वहाँ के लोग सबसे बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत बड़े जनसंख्या में थी, और कम से कम नहीं तो 25, कम से कम 25 के ऊपर ही बसे रहे, मैं खुद गया था वहाँ, और इसके बाद 4 व्हीलर 2 व्हीलर दुनिया भर की गाड़ियाँ थी, और हमारे समाज में जो नहीं होना था कभी कोई किसी ने नहीं किया था, इन्होंने करके बताया, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग जानते भी होंगे, मीडिया से देखे भी होंगे कि उन्होंने, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी को, जो भी नेता थे सबको बुलाए थे और आए, और सबका जो भी हो सका स्वागत समारोह बढ़िया से हुआ, पब्लिक भी बहुत इकट्ठा हुई थी। तो ऐसे मतलब मैं ये चाहूंगा कि हमारे गुजरात में भी ऐसा हो, और हम लोग आपके साथ में हैं, आप लोग आगे बढ़िए, करिए, जो भी हो सकेगा हम लोग उसे मदद होगा, हम लोग करने के लिए तैयार है। पैसे की हम तो उतना बड़े आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी हो सकेगा हम आप लोगों के साथ में हैं। आप लोग अगर याद करिएगा तो हम लोग कोई गुजरात, क्योंकि अहमदाबाद में हमारे भरत भाई हैं, अहमदाबाद से रामनाथ भाई थे, वो स्वर्गीय गुजर गए हैं, लेकिन फुलचंद भाई थे, इन लोगों ने जब जाता तो वहां पर जाते थे तो हमारे यहाँ ही रुकते थे, और हमारे जो भी टूटी फूटी सतों में मैं उनका सेवा सत्कार करता था और घुमाता फिराता था, और जो भी प्रोग्राम में बुलाता तो आते थे, इतना इज्जत करते थे। तो मैं इसके लिए बार बार इन लोगों को कहूँगा, अभी हमारे बीच में भरत भाई है और कल्पना जी तो नहीं आए हैं, लेकिन विष्णु भाई जी है, और अभी आपके बीच में अनिल राजभर जी है, ये सब जो टीम है नहीं, आप लोग इनका स्वागत करिए, सम्मान करिए, इसके बाद ये लोग जो भी है काम आगे बढ़ाएंगे, और ज्यादा मेहनत करके, और मैं आप सभी का स्वागत करते हुए, माताएं बहनों का भी स्वागत करते हुए, मेन जो हमारे बीच आए हुए हैं राजभर समाज के, बॉम्बे से चल के आए हुए हैं मीडिया, मैं आप सभी भाइयों का तहे दिल से नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग, जहाँ भी मैं देखा हूँ, बम्बई में गया हूँ जब ओम प्रकाश जी आए हैं, तभी मैंने देखा हूँ आप लोगों को, और भिवंडी में गया हूँ, अनिल जी के, राजभर जी के जो वहाँ प्रोग्राम था उसमें गया हूँ, उसमें भी देखा हूँ मैं, और इसके लिए मैं, वो धर्मेंद्र भाई भी हमारे बीच आए हुए हैं, धर्मेंद्र जी जो गायक कलाकार, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, ये बाद में आए हैं, तो इन्होंने वहां से चल के आया, हमको बोला कि बाबूजी मैं आया हूँ, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाकर के, धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं, मैंने जाकर के स्टेशन पे
9:30 की गाड़ी थी लेकिन 9:30 बज गया, लेकर के आया। इसके बाद में अपने घर में हमारे होटल पे, घर पे हमारा ऊपर घर है नीचे होटल है, तो रुके थे। इसके बाद में सुबह में सब लोग आए मिले जुले। इसके बाद में फिर इनको तीसरे पर बोले बाबू जी हम जाएंगे, थोड़ा आपको 6-7 दिन हो गया। इसके बाद में भेजे धर्मेंद्र जी आप लोगों के सामने बैठे हुए, पूछ लीजिएगा। तो मैं ज्यादा कुछ न कर करके मैं ये कहूंगा आप लोगों से, फिर एक बात कहूंगा कि माताएं और बहनों से खास करके मेरा यह अपील है, प्रार्थना है, विनती है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि बच्चों को ऊपर और लड़कियों के ऊपर और बच्चों के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग ध्यान देगी पढ़ाई लिखाई के ऊपर तो ही हमारे समाज का विकास होगा। बकिया ये लोग हैं काम करते हैं, जाएंगे दिन भर काम करेंगे और आएंगे तो इनको क्या पता, काम करके बेचारे 12 घंटा आएंगे तो सो जाएंगे, इनको कुछ पता नहीं रहता। लेकिन घर की लक्ष्मी आप लोग हैं, आप लोग संभालेंगे, आप लोग बच्चों को फिर ऊपर ध्यान देगी तब आप लोग बढ़िया होगा। तो हम आप लोगों से विनती करता हूँ, आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जरा बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए और दोस्तों आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान बच्चों के ऊपर आप लोग भी दीजिए, जो भी टाइम मिले उसमें ध्यान दीजिए। और मैं आप सभी का भी स्वागत करते हुए मंच पर बैठे हुए जो भी हमारे मुख्य अतिथिगण हैं, हमारे जो भी मेहमान हैं, हमारे जो अगल बगल बैठे हुए भाई सब हैं, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं अपनी बारी को विराम देते हुए जय महाराजा सुहेलदेव, जय भारत, जय गुजरात, जय उत्तर प्रदेश, धन्यवाद।